गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सा फ्लावर ड्राइंग बनाना सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड, तो आप पेंसिल जो है वो बिल्कुल ही लाइट चलाइए। इस तरह से देखिए, हम एक फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइट लाइट सा। ऐसे ही यहाँ पे एक और छोटा सा फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, हमने ये ड्राइंग बना ली है हमारी, तो अब हम इसमें कलर स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ, आप क्रेयॉन्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो कलर यूज़ कीजिए। तो इस तरह से देखिए, अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं तो जो आउटलाइनिंग है वो हम लास्ट में करते हैं, और अगर आप क्रेयॉन्स कर रहे हैं तो आप आउटलाइनिंग पहले कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, वाटर कलर करते हुए आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए। इस तरह से पूरे फ्लावर में हम कलर फिल कर लेंगे। देखिए, हमने फ्लावर्स फिल कर लिए हैं, अब हम लीव्स कलर कर लेते हैं। सेम ऐसे ही हमने लीव्स में भी करना है, उसमें भी हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ मैंने थोड़ा सा येलो फिल किया है, अब हम इस तरह से शेडिंग कर देंगे साथ में। इस तरह से हम लीव्स कर लेते हैं। देखिए, हमने लीव्स में कलरिंग कर ली है, अब हम फ्लावर की शेडिंग शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने जो कलर लेना है, अगर आप वाटर कलर यूज कर रहे हैं शेडिंग के लिए भी, तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रश जो है वो ड्राई रखना है, ज़्यादा इसमें वाटर नहीं लगाना शेडिंग करते हुए। इस तरह से देखिए, पूरे फ्लावर की हम शेडिंग करेंगे। ऐसे ही हम देखिए, इस तरह से फ्लावर के बीच हम थोड़े से इस तरह से बीड्स बना देते हैं। शेडिंग के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से इसके बीड्स बना दिए हैं इस तरह से। अब हम थोड़ी सी लीव्स की भी शेडिंग कर लेते हैं, और पूरे की हम आउटलाइनिंग करेंगे। देखिए, हमने लीव्स की आउटलाइनिंग कर ली है, अब हम फ्लावर की आउटलाइनिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, आप सेम कलर से भी आउटलाइनिंग कर सकते हैं, जिस कलर का आपका फ्लावर है, ये आपकी चॉइस है। देखिए, हमने फ्लावर की आउटलाइनिंग कर ली है, अब यहाँ पे हमने टॉपिक लिख लिया है। देखिए, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रही हूँ इस तरह से, फ्लावर स्टडी। तो आप भी इस तरह से सुंदर सा फ्लावर बनाइए। थैंक यू।